हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें हम लोग एक्सेलरेशन या एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। लेकिन अगर दो फिक्स्ड पॉइंट के बजाय अगर पॉइंट भी मूव कर रहा हो और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन का एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक स्लॉटेड बार है जिसको हम लोग ओए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस स्लॉटेड बार में एक स्लाइडर मूव कर रहा है जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉटेड बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट टाइम T1 पे स्लाइडर का पोजीशन ए है, और डेल्टा टी टाइम के बाद इस स्लाइडर का पोजीशन, क्योंकि अपवर्ड मूव कर रहा है तो बी डैश पे होना चाहिए, लेकिन इस स्लाइडर का पोजीशन बी डैश पे ना होके बी पे होता है। तो इस स्लाइडर में बी डैश एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट इसमें ऐड हो जाता है, जो कॉर्डलेस एक्सेलरेशन के कारण होता है। कॉर्डलेस एक्सेलरेशन को हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। एक कॉर्डलेस इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा ऑफ स्लॉटेड बार इंटू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉटेड बार। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉटेड बार को हम लोग भी रिलेटिव लिख लेते हैं। स्लॉटेड बार के रिस्पेक्ट में स्लाइडर का रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ से हम लोग कॉर्डलेस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए 2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू ओमेगा ऑफ स्लॉटेड बार। यहाँ से हम लोग कॉर्डलेस इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कॉर्डलेस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कॉर्डलेस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए दो मेथड है। इन दोनों में से किसी भी एक मेथड को यूज करके हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है इसका हम लोग ये जो ओमेगा ऑफ स्लॉटेड बार और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉटेड बार, इसका जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है उसको यूज करके हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है उसमें हम लोग जिस डायरेक्शन में स्लाइडर का वेलोसिटी है, रोटेट वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉटेड बार बाय 90 डिग्री इन द प्लेन ऑफ मोशन, यानी कि जिस प्लेन में स्लॉटेड बार मूव कर रहा है उसमें हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, और जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो जिस सेंस में स्लॉटेड बार रोटेट हो रहा होगा उसी सेंस में हम लोग जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है उसको हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। इसको हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे। दोनों मेथड को यूज करके हम लोग इसमें इसका कॉर्डलेस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग मेथड वन को यूज करके फाइंड कर लेते हैं। तो मेथड वन को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे ओमेगा टू, इस स्लॉटेड बार का ओमेगा है और एक क्लॉकवाइज है, इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज में इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये इनवर्ड आ जाएगा, तो ये माइनस के कैप इनटू इसका वेलोसिटी अपवर्ड है तो ये प्लस जे हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन आ जाएगा प्लस आई,
माइनस के इंटू प्लस जे माइनस आई, तो यानी कि इसका प्लस इस डायरेक्शन में हमारा ये कॉर्डिस का डायरेक्शन है। अगर हम लोग सेकेंड मेथड लगाएंगे तो जो वेलोसिटी हमारा है स्लाइडर का वो प्लस वाई की तरफ है, तो इसको हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो स्लॉटेड बार की डायरेक्शन की तरफ है। यहाँ पे स्लॉटेड बार जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जो डायरेक्शन आएगा वही हमारा कॉर्लिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो ये जो हमारा डायरेक्शन होगा वो कॉर्लिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा।